परमात्मा आत्मा को सच्चा ज्ञान देते हैं सच्चा ज्ञान वो ही दे सकता है जो सदैव इस बने बनाए ड्रामा से साक्षी है आत्मा को बताते हैं हर आत्मा में एक अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता और ना ही चेंज हो सकता है क्या बेनिफिट है इस ट्रूथ को जानने से इस सत्य को जानने से कि आत्मा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट नहीं है पॉइंट ऑफ लाइट के अंदर पूरी एक दुनिया है उसकी जितने भी पार्ट्स नूंधे हुए हैं पूरी एक दुनिया है आत्मा के अंदर और हर आत्मा के अंदर अपने पार्ट्स की एक दुनिया है अविनाशी है और आत्मा भी अविनाशी है आत्मा को पता चलता है कि फिर ड्रामा के बारे में सोच चलाने से क्या मतलब वो सोच तो अपने आप आती है जाती है वो एक फिक्स्ड ड्रामा है इसलिए आत्मा फ्री है बाबा के ऊपर पूरा ध्यान देने के लिए पूरा ध्यान एक साइलेंट विटनेस है क्लियरली दिखता है बाबा की तरफ देखती है तो बाबा उस आत्मा से बात कर रहा है जो कि चेंजलेस है बाबा उस पर्सन को जो आत्मा अपने आप को मानकर चल रही है उसे चेंज करने नहीं आया है उसको परफेक्ट बनाने नहीं आया है क्योंकि बाबा के लिए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता अनरियल है फिक्शनल है बाबा तो आत्मा को जगाने आया है कि वो अपना चेंजलेस सत्य देख सके, टाइमलेस सत्य देख सके तो अपने आप ही मुझे ये करना है मुझे ये पुरुषार्थ करना है मुझे ये मैं डूअर मैं 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 इस झूठे में से बाहर आ सके हर आत्मा को बाबा ये पॉसिबिलिटी देता है पर कौन कितना लेता है वो भी फिक्स्ड है ड्रामा में हर आत्मा के इसलिए बाबा निश्चिंत रहता है उसका प्यार थोड़ा सा भी कम नहीं होता कभी भी क्योंकि उसको पता है ड्रामा की भावी पर उसे ये भी पता है कि आत्माएं जो हैं ड्रामा से परे हैं वो अपने मन के संकल्पों का ड्रामा नहीं है वो फिक्शनल पर्सन जो अपने आप को समझ कर चल रही है और वो फिक्शनल पर्सन ही पुरुषार्थ भी कर रहा है ऐसा आभास होता है भले ही आत्मा को कि वो मैं हूं पर बाबा को पता है वो आत्मा नहीं है आत्मा बिल्कुल मुक्त इट्स जस्ट लिविंग साइलेंट ऑब्जर्वर बाकी सब मन बुद्धि संस्कार का फिक्स्ड ड्रामा तो ये फ्री विल ये चॉइस ये सब उतनी ही रियल है जितने की ईगो रियल है और ईगो तो अनरियल है तो ये फ्री विल ये चॉइस सब एक भ्रम है हाँ ये है आत्मा जागृत होती है वो चॉइसलेसली अपने सत्य स्वरूप को बाबा की नजर में पहचानती है फिर वो नेचुरल रूप में एफर्ट नहीं होता उसमें नेचुरल रूप में कि वो पर्सन नहीं है आत्मा आत्मा का नेचुरल नेचर है संतुष्टता सत्यता वो पॉसिबिलिटी है हाईएस्ट कि वो एक्सप्रेस हो Drama me. Express hope. पर उसमें भी हर आत्मा के अंदर की रिकॉर्डिंग अलग अलग है इसलिए गलत कुछ नहीं होता है स्वीट ड्रामा में हर आत्मा के अंदर का स्वीट ड्रामा है और आत्मा भी स्वीट है और पापा स्वीटेस्ट ऑफ द स्वीटेस्ट और आत्मा भी उसका बच्चा मास्टर स्वीटेस्ट ऑफ द स्वीटेस्ट Or drama be sweetest drama. The Jagratatma Zero desire to change the script. समझदार है पता है अविनाशी है और परफेक्ट है जो भी पार्ट्स रिकॉर्डेड है सेकेंड बाय सेकेंड इमर्ज होता है और आत्मा का पार्ट पर आत्मा साक्षी न्यारी और प्यारी है बाबा ने आज कुछ लाइंस बोली है वो पढ़कर फिर हम अव्यक्त मुरली पर जाएंगे हम्म बापा ने बोला है आज अब कहता हूं बच्ची बस मुझे याद कर हुँ? बच्ची बस अब मुझे याद कर तू नंगी आई थी यह पाठ बजाया अब फिर वापस जाना है सली hmm? आत्मा को वापस जाना है बॉडीलेसली आत्मा को वापस जाना है यह तेरा अविनाशी पार्ट है तो आत्मा और बाबा तो कंबाइंड है ही आत्मा और ड्रामा भी कंबाइंड है हम्म, hmm? आत्मा और ड्रामा भी कंबाइंड है ना ठीक है अच्छा है हा? बहुत अच्छा है <laughs> तो बाबा कह रहे हैं तेरा अविनाशी पाठ है इन बातों कोई, कोई भी साइंस घमंडी समझ नहीं सकते आत्मा इतना छोटा स्टार है और उनमें अविनाशी पाठ सदैव के लिए भरा हुआ है यह कभी समाप्त नहीं होता कभी समाप्त नहीं होता हाँ और ये क्या है सेकंड बाय सेकंड जो आ रहे हैं आपके थॉट्स इमोशंस फीलिंग्स प्यार है एक्सेप्टेंस है फुली इसलिए पूरी प्रैक्टिस ही ये मैं एक लिविंग लाइट और मेरे अंदर एक फिक्स्ड पार्ट वो पार्ट सिर्फ मोटा मोटा रूप नहीं है पार्ट का एक एक संकल्प पार्ट का रूप है मैं आत्मा थोड़ी सी भी इच्छा उसको चेंज करने की आप ऑलरेडी पर्सन बन चुके हो बिल्कुल ड्रामा में आत्मा और आत्मा में ड्रामा है नुन्धा है बिल्कुल तो आत्मा भी ड्रामा को ड्रामा के मैनिफेस्टेशन में अपना पार्ट प्ले कर रही है पर वो जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो उसके अंदर सबमर्ज्ड है तो दोनों है है ना टोटल नेचुरल नेचर है आत्मा का बस उसको बिल्कुल एक एक पल का ये भी एक बहुत सूक्ष्म है पुरुषार्थ शब्द वो भी फिक्स्ड है एक का तो अगर ये फीलिंग भी है मुझे पुरुषार्थ करना है मैं पुरुषार्थ कर रही हूं या कर रहा हूं जो भी है पार्ट पर्सन मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं कर रही हूं और बहुत पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है कौन एक्टिव है लिविंग लाइट को देखे हाँ लिविंग लाइट को देखे मैं ये हूं मीन पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है डूर hmm? हो आप उस पुरुषार्थ के आप डुअर हो आत्मा डुअर है पुरुषार्थ की नो, no. पुरुष के अर्थ में टिकना है बिल्कुल टिकना मतलब रहना है पुरुष के अर्थ में रहना है पुरुष मीन्स आत्मा आत्मा के अर्थ में रहना है ये है पुरुषार्थ ये बात समझेंगे ना जितनी क्लियर होगी ना ये थोड़ा सटल हो जाता है जैसे जैसे क्योंकि कल इसने कुछ इंग्लिश क्लास में शेयर किया था तो कुछ आत्माओं को थोड़ा सा लगा था फिर संगम युग में हमारे पास चॉइस नहीं है <laughs> ये ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है क्या मेरे पास चॉइस नहीं है संगम में मन hmm? पूछ रहा है पर्सन पूछ रहा है क्वेश्चन hmm? माइंड ही करता है तो फिर तो क्या मतलब फिर हम हमें थोड़ा भारी लग रहा अच्छा नहीं लगा सुनिए कि हमारे पास चॉइस नहीं है एक को चॉइस चाहिए ईगो माइंड को लगता है कि मेरे पास चॉइस है एक्चुअली इज देर एनी चॉइस इन द ड्रामा जब बाबा बोल रहे है, अविनाशी है तो आप क्या सोचते हो आपने चूज किया इसलिए आप ज्ञान में आए या आपके पार्ट में था इसलिए आप ज्ञान में आए बाबा लेके आया। बाबा पूछते ना कभी कभी ये क्वेश्चन ज्ञान में तुम आया बाबा लेके आया क्या मीनिंग है उसका पार्ट में था फिक्स्ड है एंड यू कैन कॉल इट ग्रेस ऑफ गॉड एंड यू कैन कॉल इट ग्रेस ऑफ योर पार्ट बिल्कुल बाबा लाया ड्रामा में मतलब क्या है कि वो पार्ट में नुद था इसलिए <laughs> हम्म इसलिए अपने पार्ट से भी संतुष्ट है या और फिर जो संतुष्ट होगा ना अपने पार्ट से वो हाईएस्ट डिटैचमेंट की कैपेसिटी रखता है जो अपने पार्ट से संतुष्ट नहीं है उसका पार्ट है कि वो हाईएस्ट डिटैचमेंट में नहीं करेगा अपना पार्ट प्ले वो उसका पार्ट है फिक्स्ड। इससे क्या होता है आत्मा फ्री हो जाती है बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मन के ड्रामा में बाबा में, में इंटरेस्ट लो ना जो सत्य बाकी सब तो क्या है सब तो फिक्स्ड है बाबा में इंटरेस्ट लो ना नाउ यूर फ्री टू एंजॉय कंपनी ऑफ गॉन पुरुषार्थ का भी टेंशन नहीं हां जी बोले मंजू म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा हाँ जी ओम शांति एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर नहीं हुआ कि जो अपने पार्ट में संतुष्ट है वो हाईएस्ट डिटेचमेंट हाँ तो अच्छा, थोड़ा, हाँ, हाँ हम इसमें जाएंगे जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें यही है आपका क्वेश्चन का आंसर हम्म और एक जो कहा कि पार्ट में है पार्ट में था ये ब्राह्मण बनना भी तो यूं कहो कि बाबा ने चुना तो जैसे बाबा कहते हैं कई बार जब नशे की मुरली में पॉइंट्स होती हैं तो बाबा कहते हैं कि कोटों में कोई कोई में भी कोई आपको जिनको स्वयं भगवान ने चुना तो यूं कहे कि ये आ, है तो सब कुछ वैसे फिक्स ही क्योंकि बाबा जो इतना भगवानुवाच है कि अविनाशी पार्ट है अविनाशी पार्ट है और है भी सारा अंदर का बाहर मैनिफेस्ट तो वो पार्ट में था तो तभी जो है यूं कहूं कि भगवान की नजर जो है पड़ी हाँ और बाबा क्यों कहते हैं ऐसा क्योंकि बाबा को ये भी पता है पार्ट में ये मेरे बच्चे आत्माओं का पार्ट था अपनी सेल्फ एस्टीम खोने का कॉपरेज से है ना इसलिए अब जब वो ज्ञान में आते हैं तो बाबा का पार्ट है आपको नशा दिलाना कि आप पता है आपका आप वो नहीं हो जो अपने आप को नीच समझते हो पापी समझते हो वो समझ आप नहीं हो आप कौन हो भगवान के चुने हुए वो हीरे भगवान के आधार पर चुनता है जो ड्रामा में आपके नुंद है उस ड्रामा के अनुसार आपको वो लेकर आता है ड्रामा में पाठ के अनुसार क्लियर नहीं हुआ थोड़ा हुआ हाँ hmm. नशा आत्मा का hmm. सबसे पहले कॉपरेज में क्या खत्म होता है पार्ट पाठ अनुसार हर आत्मा का क्या खत्म होता है कॉपरेज में आत्म अभिमानी स्टेज ही गुम हो जाती है Selfist, हाँ. बिल्कुल बिल्कुल स्मृति गायब तो सेल्फ रिस्पेक्ट गायब बिल्कुल है हाँ, ना हाँ. उसके बाद क्या होता है अब संगम में आए हैं हम हाँ लास्ट में लास्ट में अब संगम युग में बाबा झूठ नहीं बोल रहा है बाबा आपके ड्रामा के पार्ट के अनुसार बोल रहा है कि आपके पार्ट में जो आपका पार्ट है परमात्मा के साथ प्ले करने का ये बहुत सुंदर पार्ट है बच्चे जागो और अपनी न्याय स्मृति को देखो तुम भी कितनी खूब खुशनसीब तुम्हारा पाठ भी इतना सुंदर तुम कितने सुंदर है ना तो आत्माओं से ही जो है कहेंगे ना जिनका जो पीछे वही सतयुग से आ रही हैं और द्वापर में विस्मृत का जिनका पार्ट हुआ भूलने का बिल्कुल बिल्कुल पर हरेक तो ब्राह्मण भी तो नहीं बन सकता ना जिसका पार्ट होगा वो ही होगा ये बाबा को पता है फिर भी ज्ञान पूरी दुनिया को देता है क्यों एज अ गॉड ही इज मोस्ट इम्पार्शल ज्ञान hmm. वो पूरी दुनिया को देगा पर उठाएगा उतना ही हर एक आत्मा जितना उसका फिक्स्ड है पाठ में hmm. जब ये ज्ञान पता चल जाता है कि उतना हर आत्मा उठाएगी जितना फिक्स्ड है तो मैं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दूंगी और अपने ऊपर ध्यान दूंगी तो मुझे लगेगा फिर पाठ में क्यों इंटरेस्ट लेना बाबा में लो ना इंटरेस्ट जब पार्ट को चेंज करना ही नहीं है पार्ट को कुछ होना ही नहीं है जो फिक्स्ड है तो कहा इस तो हाँ। तो मुझे इसको कहाँ परफेक्ट बनाना है ये तो फिक्स्ड पार्ट है जो चलेगा वो चलेगा पर मैं कौन और मैं किसकी मुझे बस सारा इंटरेस्ट एक बाबा और मैं आत्मा सत्य बस वो ही है बाकी तो सब काल्पनिक वो फिर रियल में काल्पनिक लगने लगता है और फिर हम है ना ज्ञान में आने के बाद भी हरेक को पुश और फोर्स नहीं करेंगे हुँ। हुँ? हुँ। किसी को कम आ रहा है समझ किसी को ज्यादा वो खैर्स उससे वो कोई बेटर नहीं होगी किसी को ज्यादा समझ आ रहा है या किसी को कम समझ आ रहा है उससे आत्मा बेटर या वर्स नहीं हुई है वो पार्ट में जितना उतना ही तो उठाएगी वो तो ड्रामा के अनुसार है आई डोंट केयर किसी को ज्यादा समझ आए तो वो कोई ज्यादा होशियार नहीं है या किसी को कम समझ आ रहा है तो वो कोई कम नहीं है आत्मा नो ऑल आर इक्वल तब रियल इक्वालिटी एहसास होती है hmm. Hmm. बाबा का सबको ज्ञान देना ये भी फिक्स्ड है बिल्कुल क्योंकि वो मोस्ट इम्पार्शियल है है ना इसलिए हमारी नजर ही हट जाती है दूसरे पर से हर एक का पार्ट फिक्स्ड है देखने की जरूरत ही नहीं अब एक बोलना होता है पार्ट फिक्स्ड है एक समझ होती है अंदर गहरी पार्ट फिक्स दोनों में फर्क हम्म है ना किसी ने कहा था आ, कल की क्लास में अमिताभ बच्चन अपनी स्क्रिप्ट को ठीक करने के लिए नहीं अटेंशन देता है उसका अटेंशन डायरेक्टर पे होता है स्क्रिप्ट तो जो फिक्स है वो बोलनी है, वो हो रहा है एक्शन तो कोई कुछ एक्शन मान लीजिए किसी ने इसको कल फोन पे आ, कहा था कि बट मेरे पार्ट में अभी ये है एंड मुझे ये दिख रहा है साक्षियों की आई डोंट वॉन्ट टू फाइट माई पार्ट मुझे अपने पार्ट से नहीं झगड़ना ऑटोमेटिकली वो आत्मा इस मोमेंट में बाहर आ गई क्योंकि वो संतुष्ट है अपने पार्ट ये नहीं कि ये ठीक नहीं लग रहा है ये अच्छा नहीं है इसको बदलना है ये भावना नहीं है उसमें क्योंकि वो भावना पर्सन की होती है आत्मा की नहीं वो असंतुष्ट होता है थॉट ही थॉट से असंतुष्ट होता है पर्सन अपने पार्ट से असंतुष्ट होता है आत्मा के नेचर में असंतुष्टता नहीं है उसे पता है ये सब फिक्स है मैं साक्षी हूं बिल्कुल तो पुरुषार्थ भी क्या है मैं क्या कर रही हूं कुछ भी नहीं कर रही आई एम नॉट द डूअर ऑफ इवन द एफर्ट आई एम नॉट द डूअर ये जो डूइंग है ना कच्चा खा जाती है याद <laughs> बस जो मैं हूँ हाँ ये लिविंग लाइट का साइलेंट बींग को बस उसमें टिकना वही जो है उसी को वो मान कर चलना बस वो ही मैं हूँ वो स्लिपी सा हो जाता है ना बिल्कुल साइलेंट ऑब्जर्वर माइंड की एक एक थॉट फीलिंग इमोशन आने दो जाने दो उसको कुछ को ठीक नहीं करना है किसी को कुछ नहीं करना है। मैं कौन हूं जो निरंतर बाबा की याद में हूं साथ में रहती हूँ उसके और कुछ भी फिक्स नहीं करना है पार्ट में कोई मैं कुछ पुरुषार्थ भी नहीं कर रही हूं मैं कौन जो कुछ करूं भाव हो सकता है आत्मा में मैं ये कर रही हूं भले ही हो रहा है मेरे शरीर के द्वारा दिया गया शरीर शरीर के साथ एक पर्सनालिटी नाम अटैच है ये रिनी पुरुषार्थ कर रही है कौन पुरुषार्थ कर पुरुषार्थ कुछ नहीं है पुरुषार्थ में रह जाओ बस टू बी इज टू बी हम्म इसने ना एक कल शेयर किया था बाबा ने एक ब्लेसिंग में बोला था मेरे पास हिंदी में नहीं है वो ब्लेसिंग पर बाबा ने कहा था कि एक एक्टर होता है ना वो ऑर्डिनरी एक्ट नहीं करता वो अपना पार्ट एक्यूरेटली प्ले करता है चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो कोई भी सिचुएशन हो वो किसी पे भी डिपेंड नहीं होता क्योंकि उसके पास सारे राइट्स होते ना आत्मा के पास वो हर एक को ऐसे ओवरकम करता है जैसे कि सब कुछ प्ले में हो रहा है दे एक जैसे प्ले में तो खुशी होती है ना चाहे प्ले कुछ भी हो अब प्ले कोई बाहर का प्ले नहीं बोल रहा है सुनना बाबा ने क्या बोला है अगर उसका पार्ट रोने का भी है बाहर से तो अंदर से वो बहुत वो अवेयर है अंदर से कि एक अनलिमिटेड प्ले है और बाहर से रोने का पार्ट है बाहर से पार्ट है रोने का पर अंदर मुझे पता है मैं कि ये प्ले में हो रहा है मेरा पार्ट जो रोने का चल रहा है वो भी एक प्ले में चल रहा है पर अंदर से आत्मा को पता है कि मैं एक्चुअली देख रही हूं साक्षी के उस पार्ट को तो अगर उस पार्ट में उस मोमेंट में अगर रोने का पार्ट है तो क्या आत्मा असंतुष्ट होगी उस पार्ट से तो बाई योर तो इसको क्ले कंसिडर करने से बड़ी प्रॉब्लम भी लाइट हो जाती है तो इसमें दो स्टेप्स ऑफ डिटैचमेंट जो हम बोल रहे थे ये है वो आत्मा जो अपने उस पार्ट को जो कि आत्मा के मे बी ट्रुथ के अलाइनमेंट में नहीं है उस पार्ट को भी अगर वो साक्षी के डिस्टेंस से देख रही है और वो प्ले आउट हो रहा है तो जो आत्मा अगर ये डिटैचमेंट की प्रैक्टिस में है तो फिर उसका जो सेकेंड लेयर ऑफ डिटैचमेंट है जो अल्टीमेट लेयर है वो पॉसिबल है ओवर टाइम पर जो अपने पार्ट में जो रोना चल रहा है और उस पार्ट को देख के क्रिटिसाइज कर रही है तो वो आत्मा डिटैचमेंट में आना थोड़ा मुश्किल है सेकेंड लेयर पे अल्टीमेट लेयर पे आना मुश्किल है पर वो भी उसका पार्ट <laughs> उसका पार्ट <laughs> स्क्रिप्ट समझना बहुत जरूरी क्योंकि बाबा बहुत करते हैं इसको मतलब इसमें आपने ये कहा कि आ, सपोज आ, कोई बात आई और ये पार्ट में रो पड़ी लेकिन उस रोने को भी वो इतना साक्षी होके देख रही है कि पर्सन आइडेंटिटी दाग तो रो रहा है हाँ, लेकिन मैं, हाँ, मैं उससे भी एकदम अलग जो हूं, वो अलग जो वो लिविंग हैप्पी हैप्पी है है जिसका स्वरूप तो हाँ। सोल रोते हुए अमिताभ बच्चन के देख तो वो उसमें उस समय ये थोड़ा है अनुभव की उस समय वो एक सपोज रो भी रही है कहीं कुछ आंसू आ रहे हैं लेकिन वो हाँ। दर्द में नहीं होती उस समय क्योंकि और पहले जो होता था उसमें वो एक क्योंकि मैं ही टैंगल मिक्स हो गई कि मैं ही रो रही हूँ तो एक चुभन एक दर्द होती थी बिल्कुल 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 तो फिर वो आत्मा मतलब uh, डिटैचमेंट uh, दिटे, में है बिल्कुल बिल्कुल वो आत्मा ने समझा है कि ड्रामा नुंद है फिक्स्ड अविनाशी पार्ट है मेरे अंदर नु. और अभी इस मोमेंट में हो सकता है ये पार्ट में नहीं चाहते हुए भी आ रहा है पर मैं बोलना नहीं चाह रही पर बोला जा रहा है हाँ जी बोले यहाँ और फिर वो लंबा भी नहीं चलता उसका शॉर्ट होता है हाँ जी हाँ जी चाहे वो बोलने का हो चाहे फिर वो बिल्कुल बिल्कुल फिर उसकी कम होती जाती है हाँ जी अभी जैसे मंजू ने कहा कि आंख से आंसू बह रहे हैं बट हम डिटेच है बट आंख से आंसू बहेंगे अगर हम detached, आत्मा डिटैच होगी तो बिल्कुल अगर वो उस मोमेंट के पार्ट के अनुसार फिक्स्ड है है और हाँ। आत्मा होकर देख पा रही उसको तो फिर वो की प्रैक्टिस राइट डायरेक्शन में है ओके okay. हाँ। मंजू मैं एक मिनट हाँ करो मंजू करो करो इसका थोड़ा अनुभव है इसमें कि वो एक तो जो है ना ये उन्होंने पूछा ना भैयामी बहन ने कि क्या फिर उस समय डिटैच है आ, हाँ शायद उस समय फंसे हुए थे लेकिन जैसे ही देखा कि ये कौन रो रहा है एकदम मतलब जैसे अलग से हुए तो उसमें देखा दर्द मतलब दुख दर्द वाला जो है नहीं है और वो, वो मतलब समय लोग एक आधे मिनट का ही हुआ जो लंबा चल रहा था वो एक आधे मिनट का ही हुआ और वो खत्म जो है हो गया उसका प्रूफ मतलब ये ये समझती है कि वो दर्द नहीं आता दुख नहीं आता कि भाई ये क्योंकि पहले बीच में घुसे हुए थे तो फिर वो बड़ा भारी सा एक दर्द होता था कि ये मेरे साथ ही हुआ मुझे ऐसा कहा ये ये हुआ तो उसके दो अनुभव हैं तो वो जल्दी से मतलब हो जाता है यूं कि विद इन वन मिनट अब तो खैर ये रोने वाला होता ही नहीं है बहुत शायद कम हो गया और उसमें दर्द भी नहीं होता बिल्कुल बिल्कुल दैट इज आई कंप्लीट डिटैचमेंट वो तब होगा जब जो आत्मा अपने पार्ट से धीरे धीरे साक्षी होती जा रही है अगर कभी पार्ट में ऊपर नीचे हो भी गया वो मैं नहीं हूं वो साक्षियों के देख पा रही है पार्ट को खेलते-खेलते भी फिर वो फुल डिटैचमेंट में आत्मा हो सकती है तब ये सिर्फ रोना तो फिर भी बहुत स्थूल है अंदर अंदर कोई भी संकल्प की बीमारी आ भी रही है आत्मा उसको भी साक्षी होके देख पा रही है चाहे वो कितना भी लंबा चल रहा है फिर उसको देख पा रही है साक्षी होकर देन द एक्टर इज सेपरेट फ्रॉम द कैरेक्टर इन द माइंड दिस इज अ वेरी पर्सनल चेकिंग राइट कि मैं रो रही

All, नहीं आप स्टॉप नहीं कर रहे हैं आप साक्षियों exactly. के बाबा के साथ देख रहे हैं तो जैसे आत्मा साक्षियों की देख रही तो वो अपने आप उसके नेचुरल स्टेट से चुप हो जाएगा uh, अभी तक राइट hmm. right. हाँ मतलब भले दो घंटा रहू एक घंटा रहू दस मिनट रहू पांच मिनट रहू वॉट एवर दैट हाँ, इज दुरुष में ये प्रैक्टिस शायद दो घंटा भी चल सकती है जैसे जैसे साक्षी होते जा रहे होते जा रहे तो एक घंटा फिर और साक्षी 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 no. साक्षी ट्रुथ से हो रहा है ये सब तो yeah. उसकी फ्रिक्वेंसी नेचुरली तो दुख कभी लिया ही नहीं अपने पार्ट से एग्जैक्टली exactly, हम दुख ले रहे हैं अपने पार्ट से बेसिकली सो नाउ सॉरी मतलब दिस कनेक्ट्स टू दैट आल्सो व्हेन बाबा से दुख देना नहीं है तो लेना भी नहीं तो है लेना भी नहीं है वेरी गुड तो आत्मा अपने पार्ट से भी दुख नहीं ले रही है अंदर है ड्रामा का गया हाँ जी। आपको बोचना था ना कुछ अनम्यूट यू नहीं अच्छा तरुणा आपको कुछ पूछना था आपका भी हैंड रेज था एंड सिस्टर शेल आपको अनम्यूट करना है <laughs> दीदी अभी रिसेंटली लगभग लग टू वीक्स से मैं सुन रही हूँ एकदम oh. से अलग लग रहा है और ऑब्जर्वर कर, कर रही हूँ सारे कंफ्यूजन और बीच में बड़े हर्डल्स आ रहे हैं अभी शुरुआत में तो उनमें से एक एक एक्सपीरियंस जो बहुत परेशान कर रहा है वो मैं बस यहाँ पूछना चाहूंगी जब साइलेंट ऑब्जर्वर बनके साक्षी होकर मैं देखती हूँ कि ये ये आत्मा कभी दुखित हो रही है या रो रही है तो वो मैं कर ले रही हूँ दीदी हो जा रहा है थोड़ा दुखी है। हो रही है या पर्सन दुखी हो रहा है आत्मा का पार्ट दुखी हो रहा है जी क्लियर हो जाए हाँ उसका जो रोल है वो वो दुखी हो रहा है तो कोई नहीं मैं बाबा के साथ बैठी हूँ हु? लेकिन दीदी मुझे संग क्या बात कर रहा है कि मुरली भी जब बाबा का मैं अच्छे से उसको देखती हूँ पढ़ती हूँ सुनती हूँ तो बाबा डे बाय डे संगम के हर पल में कहता है कि बच्चे ऐसा बनो ऐसा करो हल्के बनो किसी को कड़वे बोल मत बोलो ऐसे करो तो जो दीदी हो रहा सपोज आज मैंने किसी को कुछ बोल दिया इस आत्मा ने इसके पार्ट ने बोल दिया तो उसमें इम्प्रूवमेंट अगर ना करें और खाली साक्षी होके देखे कि मैं बाबा के साथ हूँ इस रोल के एक्ट को पास ऑन होने दो तो इससे मुझे मुझे आत्मा को ऐसा लग रहा कि मैं सुधार की तरफ ध्यान ही हाँ। नहीं दे रही हूँ बस मैं बाबा के पास बैठी हूँ तो में... की कोशिश कर रहा है सबसे पहले बाबा किससे बात कर रहा है पाठ से या आत्मा से आत्मा से दीदी हाँ तो आत्मा डुअर है दीदी ठीक तो है बाबा बोल रहे कि तुम्हें आप बोल रहे की फिर मुझे लग रहा है कि मैं सुधार नहीं कर मैं कौन जो सुधरना चाहता है आत्मा अपने रोल को ठीक करना चाह रही है शायद ऐसा कुछ। अच्छा आत्मा अपने रोल को पर बाबा बोल रहे पार्ट अविनाशी तो किसको ठीक कर रहे हो आप नहीं कर सकते दीदी ऐसे तो तो आप कौन है बाबा एक्चुअली मैं आपको जगाना चाह रहा है फिर वो बोल रहा है कि जब तुम जागोगे तो अपने आप पार्ट अपग्रेड हो जाएगा जब होना होगा वो भी पार्ट में होगा तो होगा पहले तुम तो जागो तुम जागो पहले सबसे पहला पाठ क्या है कि तुम अपने पाठ को ठीक करो या तुम आत्मा हो परमात्मा को याद करो पहली श्रीमत क्या है खुद को आत्मा देखो खुद को अपनी रियलाइजेशन में लाओ तो आत्मा देखना अपने आप को मतलब क्या आत्मा का पहला ट्रुथ क्या बताता है बाबा जो बाबा बोलता है अगर जिसने ये नहीं समझा उसने परमात्मा को नहीं समझा आत्मा मतलब क्या अपने आप को आत्मा समझो मतलब क्या अपने मूल गुरु में स्थित हो जाओ जो मेरे वचू जो बाबा बताते हैं कि तुम साइलेंट uh, बीइंग हो और वेरी गुड साइलेंट बीइंग हो और स्टिल हो और नो इट्स नॉट दैट आत्मा बीज है no, जिसके अंदर चौरासी जन्मों का पाठ नुंदा हुआ है अविनाशी ये है आत्मा का ज्ञान देखो हम ये पाठ कैसे भूल जाते हैं हम बस आत्मा की सेवन क्वालिटी सेवन पावर सेवन वर्च्यूज और आत्मा बीज उसके अंदर चौरासी पार्ट ही, तो है तो किसी को याद ही नहीं आता जैसे कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं रोज बोली हुई बात को भी हम इग्नोर कर देते हैं पहला पाठ मैं आत्मा हूं फिर परमात्मा भी याद आएगा नहीं तो याद नहीं आने वाला हाँ दोनों बताते हैं बाबा आत्मा के गुण और पावर्स बाबा जैसे हैं पर आत्मा में एक अविनाशी पार्ट भी नंधा हुआ है ये दोनों ट्रूथ बाबा बताते हैं आत्मा की कंप्लीट ट्रूथ है ये आत्मा का सिर्फ मैं साइलेंट हूं मैं पीस हूं मैं शांति हूं ये नहीं है दिस इज हाफ द ट्रुथ ट्रुथ जी दीदी मतलब हुए और आत्मा जैसे जैसे जागृत हो रही है और अपने पार्ट के एक्सेप्टेंस में आ रही तो अपने आप ही फिर मेरा आत्मा का जो फिक्स पार्ट होगा वो भी फिक्सड पार्ट में ये होगा कि मेरा इसीलिए आप शायद यहाँ है कि फिक्स पार्ट में ये है कि आप आत्मा अपने पार्ट से डिटैच होंगी इसीलिए आप शायद यहाँ हैं जी दीदी बाबा ने मुझे यहाँ जोड़ा कहाँ से कैसे बहुत अच्छा लग रहा है बस जो हाँ। कन्फ्यूजन है वो कभी कभी ज्यादा हावी हो रहे हैं तो उसमें ऐसा हाँ। लगता है कि ये ठीक है या ये ठीक है हाँ नहीं नो no प्रॉब्लम वो कंफ्यूजन भी आत्मा देख रही वो पार्ट में है, है ना आत्मा तो कंफ्यूजन से परे है कंफ्यूजन को भी साक्षी होकर देख रही है है ना अब देखें आप आप देखेंगे जो सुधार होता है ना वो रीनी पार्ट रीनी को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रही है रीनी रीनी को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रही है बाबा ने कभी ये ज्ञान नहीं दिया एक्चुअल में बाबा ने यही ज्ञान दिया पहली श्रीमत तुम आत्मा हो अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो और ड्रामा के ज्ञान को समझो तीन बिंदु ये है श्रीमत नहीं है हम क्या करते है? आत्मा परमात्मा ड्रामा गया कहीं और ड्रामा में अपने आप को पार्ट समझकर फिर पार्ट को फिक्स करने में पूरा जीवन निकाल देते फिर अंदर डिप्रेशन अंदर दुख अंदर दर्द पर भी वही पार्ट थे शायद <laughs> अब तक वही चल रहा है सर दीदी अमृत बेला छूट जाता था तो इतना गिल्ट फील होता था कि आज हमने बहुत गलत किया कैसे छूट गया जितना आत्मा जागृत होगी ना उतना अमृत बेला भी कम मिस होगा <laughs> और कभी हो भी गया मान लीजिए किसी वजह से ड्रामा में पार्ट था इसके हो गया कभी क्योंकि जीरो गिल्ट तो बिल्कुल आत्मा का पावर तो कहीं गया ही नहीं और भी गया उसको भी साक्षी होके देख लिया तो आत्मा तो बिल्कुल एकदम बिंदु बाबा के साथ साक्षी है उसकी पावर कभी लीक होगी नहीं होगी कि दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू इसलिए बाबा बोलते हैं एक गुह्य राज है और ये राज जिसने समझ लिया वो फ्री है जीवन मुक्ति एक सेकंड में जनक समान गुह्य राज को जिसने समझ लिया जो योग युक्त होता है पहले वो राज योग युक्त होता है फिर युक्ति युक्त होता है किसी का माइक ओपन है सबको एक बार म्यूट करके फिर अनम्यूट कर देंगे तो हो जाएगा है ना क्लियर हुआ विल टेक वन तरुणास क्वेश्चन अवॉर्ड Okay. कीजिए अपने आप को ओम शांति दीदी ओम शांति दीदी एक क्वेश्चन ये था कि पहले तो आपने ये कहा कि भाई आत्मा ऑब्जर्व करे वो साक्षी होकर अपने रोने के पार्ट को भी देखे तो सवाल ये उठ रहा था कि अगर आत्मा जागृत है ट्रुथ में है तो फिर दीदी अगर वो ट्रुथ में है तो पहली बात तो वो पार्ट में फंस ही नहीं रही है तो रोएगी क्यों हम्म hmm, पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल है कि कभी कभी ड्रामा में पार्ट में हो सकता है जो फिक्स्ड है और उसका राज हमें नहीं पता क्या रीजन है उसकी वजह से किसका कोई अकाउंट सेटल हो रहा है या किसी का कोई दूसरे का कोई पार्ट मेरे पार्ट को देखकर कुछ और होने वाला है जैसे मान लीजिए रीनी पार्ट है ना ये आत्मा के पार्ट में मान लीजिए उस मोमेंट में बेटी के पार्ट को कुछ कहने का है मान लीजिए मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूं हाँ पार्ट का कुछ कहने का है बेटी के पार्ट में मैं ज्ञान में हूं समझ भी है सारी ज्ञान की दिख भी रहा है पर पार्ट में कुछ बोल दिया बेटी को पर शायद वो बोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसके पार्ट का सेटलमेंट मेरे बोलने से होता अच्छा मेक सेंस वो राज हमें नहीं पता है इसलिए हमें उसके बहुत ज्यादा उसकी गहराई में नहीं जाना है हमें बस ये देखना है कि मेरे पार्ट में कभी कभी कोई कंपल्सिवली पार्ट प्ले होगा कंपल्सिवली होगा मेरे नहीं चाहते चाहते भी वो पार्ट प्ले हो जाएगा मुझे दिख रहा है मुझे नहीं करना है पर फिर भी वो हो रहा है हाँ होता है ऐसा बहुत बार हम चाहते ही नहीं है बहुत बार ऐसा हो रहा है फिर हमने क्यों किया फिर बाद में ऐसा लगता है अरे जाने तो जो हुआ सही ही हुआ हाँ तो ये है आत्मा उस वक्त जब देखते 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 वो पाठ हो रहा है होने दे कोई बात नहीं दिख रहा है ना अब आपके अंदर आप बाबा के पास है वो होते देखते देखते दिख रहा है हो रहा है इट्स ओके स्टेप बैक नो योर ट्रूथ आप भले ही वो दो मिनट चल भी रहा है देखने के बाद भी नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम आपका ट्रुथ आप अपने ट्रुथ में रहकर बाबा के साथ स्थित होकर उस पाठ को भी साक्षी होकर देखें उससे क्या होगा कि आपने कोई जबरदस्ती एज अ पर्सन परफेक्ट बनने के लिए उस पाठ को दबाया नहीं है दमन नहीं किया है है ना नहीं तो कहीं ना कहीं उस पाठ से कुछ आइडेंटिटी बनाकर ये ठीक नहीं है मुझे ये ठीक करना है ये मुझे मैं, मुझे मैं मैं कौन है डूर कौन है एक्शन का ठीक करने का डुअर कौन है पर्सन आइडेंटिटी दिस इज वेर ज्ञान बिकम्स वेरी सुक्ष्मी नहीं आप कहिए मुझे ही अनुभव से बता रही है जैसे ज्ञान में शुरू शुरू में अभी जैसे इसको समझ शायद शुरू से यही पार्ट में था तो ये पार्ट ऐसे ही अनफोल्ड हुआ तो कई बार देख रही होती है कि मुझे नहीं। बोलना नहीं बोलना नहीं और मुंह से निकल भी रहा देख भी रही हूँ मुंह से निकल भी रहा देख भी रही हूं। <laughs> देख भी रही एंड दैट्स ओके हु माया मैं बाबा के पास बाबा आपको दिख रहा है ये कैसे बोला जा रहा है बच्ची मैं मुझे देख बस तुम मुझे देख जो हो रहा है होने दे तू मुझे देख फिक्स ड्रामा फिक्स पार्ट चल रहा है तू मुझे देख और बाबा को देखती तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है पहले अगर वो एक घंटा चलता फिर वो आधा घंटा हुआ फिर वो आधा से द, दस मिनट हुआ दस से पाँच पर वो एक से दस और दस से दो और दस से जीरो होने में भी मेरी खुशी जीरो नहीं हुई कभी भी डज दैट मेक सेंस जी जी उस वक्त बहुत भी बार भी। होता है बहुत बार होता है दीदी ऐसा हम देख भी रहे हैं समझ भी रहा है लेकिन मुख से वो वाणी चलती भी है होकर भी देख रहे है, बोलना भी नहीं चाह रहे बट बोला जा रहा है तो आप समझ रहा है स्क्रिप्ट में था तभी मुख से निकलती जा रही है, है। तो अगर आप अगर वाकई में आत्मा देख रही है ना उसको साक्षी होके तो वो उसकी खुशी गुम नहीं हो रही है उसकी खुशी इंटैक्ट है कांस्टेंट है तो वो खुशी उसके लिए खुराक हो जाती है नेक्स्ट टाइम की ड्यूरेशन की कम होने के लिए दमन नहीं किया उसने किसी भी चीज का डस दैट मेक सेंस तो आज ही कह सकती है नौ साल की प्रैक्टिस के बाद आज ही कह सकती है कि अंदर से ही नहीं आता है कि मैं उसको ज्ञान का पॉइंट लगाऊं और उसको रोकूं और उसको वो करूं होता नहीं है है ना तो इसका मतलब नहीं। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही सारे विकार मर्ज हो गए नहीं तो मेरी खुशी नहीं छीन सकते वो मेरी खुशी मेरी खुशी को टच नहीं कर सकते वो तो उनका इन्फ्लुएंस कम होता जाता है और बाबा का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है शुरू से ही बाबा का इन्फ्लुएंस रहा और फिर अब बाबा का इन्फ्लुएंस नेचुरल और रियल लगता है माया माइंड का इन्फ्लुएंस क्या लगता है हाँ अगर खुशी की परसेंटेज आत्मिक खुशी की परसेंटेज सेम है विच मीन्स आर ऑन द राइट ट्रैक जीरो दमन है जीरो दमन बिल्कुल भी दमन नहीं है दबाना कुछ नहीं है एक्शन अपने आप ही कम होगा अगर आप अपने ट्रुथ में ये है फुली डिटैच्ड ऑब्जर्वर पर देखो इसमें हर एक का पार्ट भी अलग-अलग होगा <laughs> वो भी फिक्स्ड है हां हम्म वो हां क्लियर है दीदी एक कंफ्यूजन तो नहीं बट इस ये आत्मा जैसे ज्ञान में चल रही थी तो ऐसा योग करने में भी कभी-कभी सॉन्ग ऐसे भोजन बनाते वक्त कैसे बाबा के सॉन्ग सुनने की आदत थी या क्लासेस सुनने की बहुत आदत थी इनका उनका क्लास ये प्रैक्टिस के बाद ना सच बताएं बस ये जो शाम का समय है आपसे मुरली सुन लेते हैं सुबह मॉर्निंग में सेवा हो मुरली हो को हो, 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 होती है बीच में कुछ भी कुछ भी एक सॉन्ग भी नहीं लग रहा कभी कभी लगा देते हैं हैं बट वो भी बंद कर देते दे, दे, है, है, तो है।, है बाबा का सुन रही हो ना बाहर का थोड़ी तो वो तो आ, सुन लो ना वो, तो तो वो भी बंद हो गया मन ही नहीं करता है सुनने का नहीं अगर सुन भी रहे मन की इच्छा भी हो गई और आप आत्मा ने उसको सुना भी दिया नो प्रॉब्लम लेकिन हाँ। ऐसा वही कह रही हूँ क्वेश्चन ये आ रहा है कि मन नहीं मान रहा है नहीं सुनना चाहता है बस अपने आप के साथ रहे अंदर रहे ना सॉन्ग भी क्यों सुनना है ना सॉन्ग सुनो ना कोई लेक्चर हाँ, ना कोई अगर आपके पहले ऑडियो सुनो अच्छा ये भी पार्टी हाँ अगर आपके पार्ट में दिज नथिंग रॉन्ग विद एंजॉइंग पर्टिकुलर सॉन्ग आपके अगर एक्सप्रेशन में है उस मोमेंट में किसी सॉन्ग को एंजॉय करना नो प्रॉब्लम पर हम क्यों साइलेंट मेडिटेशन करते हैं कल एक घंटा हमने ना म्यूजिक चलाई ना कमेंट्री चलाई किस किस का मन बोला रहे? दीदी शायद कुछ तो बोलेगी, शायद एक सेंटेंस बोलेगी <laughs> इस को तो पता था बोलना ही नहीं था दीदी को तो नहीं संकल्प चला पता था हुँ? पहले से बिल्कुल पता था ना पहले से हुँ। हुँ। है न हाँ। तो तो इसलिए भले ही ये साइलेंट मेडिटेशन इसलिए बिना कमेंट्री के हम इसलिए बिना म्यूजिक के हम इसलिए करते हैं ताकि मैं आत्मा अपने चेंजिंग संकल्पों के जो चलती हुई धारा है चेंज होती हुई धारा है संकल्पों की मैं आत्मा उसको साक्षी होके देख सकूं और वो बिल्कुल साइलेंस में पॉसिबल है जी इसलिए ना कोई कॉमेंट्री ना कोई म्यूजिक अब मैं आत्मा अपनी फुल जागृति में भले मैं डांस करूं कि म्यूजिक सुनू हाउ डज इट मैटर मेरा ट्रुथ थोड़े ना बदल रहा है म्यूजिक सुन रही हूँ वो बिल्कुल अलग mm. फिर वो पार्ट फिर वो भी फिक्स पार्ट <laughs> mm. है ना बाबा को याद कर, बढ़ाने के लिए मैं म्यूजिक सुन रही हूँ तो फिर वो मन कर रहा है पर एज अ सोल वट एवर द एक्सप्रेशन इज लेट इट कम बट सोल को पसंद ही ही नहीं नहीं साउंड चाहिए ऐसा लग रहा है तो वो भी, भी तो बिल्कुल थी, तो थी।, थी। हम्म हाँ। तर... अच्छा। <laughs> <थी। laughs> और सोल को कभी ऐसे पार्ट में अगर होगा उसका मन को ठीक करने के लिए नहीं बस सुखी है आत्मा खुश है और वो ठीक है हाँ तो कौन अच्छा गा रहा है कौन बुरा गा रहा है फर्क ही नहीं पड़ेगा उसमें कोई नहीं होगी तो हो इतना अच्छा गाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा बुरा उसके लिए मैटर ही नहीं करता हाँ ऐसा सेंटर पर भी हो था। रहा था सॉन्ग हाँ बज रहा था बजाओ नहीं बजा, नहीं बंद करो बंद कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी मूवमेंट कर रही है कर, कर्म व्यवहार में दिवाली के कारण बहुत फास्ट से काम करना हो रहा है बट खुशी आत्मा तुम तो स्टिल एक आत्मा स्टिल है Kaun gaata hai, kaun bura gaata hai, who cares Yes. who cares whether you can sing well or not sing well nobody cares not the soul at least Thank you. You know? so it is it is about who am i most importantly कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा है इट्स जस्ट अ पार्ट नॉट डील नॉट डील किसी का पुरुषार्थ बहुत अच्छा दिख रहा है बिग वो इसका पुरुषार्थ तो इतना अच्छा ये देखो गया, <laughs> yeah. हो गया गर्सन माइडेंटिटी इंप्रेस्ड साक्षी होके देख ले तब पता चलता है ये सारे पार्ट से आप परे हो जाते हैं सारी आत्मा एक समान तब पॉसिबल है ये नहीं तो एक डायलॉग है मन बोल रहा है अपने आप को ठीक करने के लिए स्पिरिचुअल बनाने के लिए सारी आत्मा एक समान सारी आत्मा एक समान दीदी जैसे एक पास में कुछ पार्टी थी कल तो जैसे रोल प्ले करने के हिसाब से पार्ट प्ले करने के हिसाब से इस शरीर को उधर लेकर जाना पड़ा तो ये आत्मा ने देखा बिल्कुल इतना डीजे के सॉन्ग इतना काफी आवाज था और मुझे आपकी जैसे कि आवाज गूंज रही थी कि डांसिंग दांसिं, डांसिंग भी करो बॉडी भी मूवमेंट करे लेकिन आत्मा स्टिल रहे इतना शोर था इतने सॉन्ग बैंड बाजे और आत्मा स्टिल थी ये फर्स्ट टाइम इस आत्मा ने अनुभव किया और काफी वो स्टिलनेस उस वक्त फील की और ये अन्य ने भी किया एक तो ने बट इस आत्मा ने किया उसका लग रहा था कि फर्स्ट टाइम ये महसूस था हुई कि मोमेंट के वक्त तो ये फील किया है बट इतने बड़े आवाज इतना बड़ा साउंड था बता नहीं सकते इतना बहुत भारी साउंड और उसमें ये स्टिलनेस इस आत्मा ने कल फील किया कि जिससे निश्चय बढ़ता ही जा रहा था इवन बाबा को उस जगह पर उस ऐसा सराउंडिंग ऐसा वायुमंडल और वहां पर हम इस आत्मा ने बाबा को कंबाइन जो फील तो पर पर कि किया आत्मा देख रहे हैं साक्षी होकर यहाँ से किसका निश्चय बढ़ रहा है वो भी पर्सन है कहीं ना कहीं हाँ पर्सन आ रहा था बिकॉज पहले ऐसा नहीं हो रहा था शायद पास्ट में जा रही थी पार पार। पार बार मन पास्ट में लेकर जा रहा था आत्मा फॉर एवर निश्चय स्वरूप है अब उसमें वो बैठे हुए पर्सन आइडेंटिटी का निश्चय बढ़ता हुआ भी देखती है और कभी घटता हुआ भी देखती है पर आत्मा उससे परे है थी थी, पहले एलर्जी होती थी ऐसे साउंड से <laughs> एलर्जी होती थी ऐसा लग रहा था भाई कहां से यहां तो दूर हो जाए कल जो चेंज देखा ना वो पास्ट में गर, मन लेकर गया पास्ट में कैसा कर रही नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम बस ये साक्षी होके देखा लेकिन yeah. हंसे नहीं है? आत्मा इज नॉट सफरिंग इट्स रिकॉर्डिंग टू बी वेरी वेरी क्लियर और रिकॉर्डिंग का मीनिंग कुछ भी हो सकता है रिकॉर्डिंग में ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी हो सकता है एक्सपीरियंस hmm. बस ये एक अनुभव है मुझ आत्मा के अंदर mm -hmm. आत्मा अपनी रिकॉर्डिंग सफर नहीं करती mm -hmm. आत्मा को सफरिंग होती क्या है पता नहीं तब बाबा बोलते इच्छा मात्रम अविद्या जरा सी भी इच्छा नहीं है रिकॉर्डिंग को चेंज करने की ये है इच्छा मात्रम अविद्या तो गोल्डन एज में सब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स प्ले करेंगे कोई राजा कोई रंक पर खुशी सब में एक समान क्यों पार्ट अलग है ना वहां पर भी तो वो तो नहीं सोचा मैं रंक क्यों तू राजा क्यों है मैं क्यों नहीं राजा और मैं रंग क्यों सैटिस्फैक्शन विद द पार्ट इन दिस मोमेंट बस क्या मैं अपने मन की रिकॉर्डिंग की राजा हूं कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है बस वो है कंप्लीट डिटैचमेंट नो प्रिफरिंग नो रेजिस्टिंग ऑफ एनी एक्सपीरियंस इन द रिकॉर्डिंग ना कोई क्लिंक करना है कर ना कोई रिजिस्ट करना है चाहे रिकॉर्डिंग में कुछ भी चल रहा है ना मैं इस एक्सपीरियंस को प्रेफर कर रही हूं ना मैं इस एक्सपीरियंस को हटाने की कोशिश कर रही हूं बिल्कुल साक्षी तो मैंने समझा है आत्मा होती क्या मैं आत्मा हूं नहीं तो मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं शांति हूं मैं प्रेम हूं मैं पावर हूं मैं ये हूं मैं हूं अच्छी बात है पर आधा पार्ट ही करा है आधा पार्ट रह गया है क्लियर इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम ब्राह्मण जीवन में अपनी चेकिंग करेंगे दूसरों की नहीं अगर मैं सिर्फ प्रेम शांति सुख ढूंढ रही हूं और पार्ट को तो एक्सेप्ट किया हुआ ही नहीं है उस पार्ट को ही फिक्स करने में लगे हो तो यू आर नॉट येट अ सोल मैं अविनाशी हूं आत्मा हूं मैं मैं एकदम इम्पेरिशेबल हूँ अविनाशी क्या है तीन शब्द अविनाशी इम्पेरिशेबल इमोटल एंड इटर्नल तीनों हिंदी में जो भी शब्द हैं वो हूं मैं बहुत अच्छी बात है पर बाकी जो पार्ट है आपके अंदर वो <laughs> वो भी तो है है <laughs> वो भी तो अविनाशी है <laughs> भूल गई क्या उसको उसमें मौत का डर भी फिक्स्ड है वो भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है साक्षियों के अजर अमर अविनाशी यस थैंक यू अजर अमर अविनाशी तो पाठ में भी डर अजर अमर अविनाशी है पार्ट में भी अम, काम क्रोध लोभ, मोह अहंकार अजर अमर अविनाशी है आई ओके विद हाँ कितना इंपॉर्टेंट है ना ये हाँ तब मैंने समझा है मैं आत्मा तब मैं वाकई में उन विकारों वो मेरे सामने नतमस्तक हो जाएंगे और झुक जाएंगे वो विकार तब झुकेंगे जब मैं जागूंगी आत्मा है ना इसलिए बाबा कहते हैं मैं क्रिएटर और एक्टर हूं मैं कल्प कल्प आता हूं पार्ट बजाने कहते हैं परमात्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य नॉलेजफुल है बाबा में भी मन बुद्धि संस्कार है वो चैतन्य है, है सिर्फ उसके अंदर भी मन बुद्धि और संस्कार है उसके मन में भी पाठ है वो अपने पाठ को नहीं भूलता कभी भी ना? ये है नॉलेज उसके मन बुद्धि के अंदर नॉलेज है भरी हुई तब वो आत्मा आती है और हमको वो नॉलेज देती है परम आत्मा तो आत्मा ही चैतन्य हो सकती है बाकी सब मरा पड़ा है ये सब हिलते डुलते पुतले सब मरे हुए हैं स्क्रिप्ट भी मरी भी है ओनली सोल इज द रियल लिविंग जिसके अंदर स्क्रिप्ट है ड्रामा के लिए पार्ट प्ले करने के लिए मैं कागज पर लिख के नहीं लाती हूं पर मेरे मन में इटर्नली रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट है जो मैं लेकर आती हूँ ड्रामा के स्टेज पर लेकर आती मतलब कोई बहुत दूर से नहीं आ रही हूं एक सेकेंड दूर है सिर्फ इट्स अ गेम ऑफ कॉन्शियसनेस मैं आत्मा अपने एंजेलिक पार्ट को भी प्ले कर रही हूं तो अपने डिमोनिक पार्ट को भी प्ले कर रही हूं कर दोनों पार्ट मैं आत्मा रही हूं और अब संगम में दोनों देख रही हूं दोनों पार्ट्स देख रही हूं एप्सल्यूट ट्रुथ से ये है अपने परम धाम की स्थिति में रहकर मन की सूक्ष्मता का देखते हुए अच्छा बुरा देखते हुए बिल्कुल अपनी पहचान नहीं बना रही और जब मैं बिल्कुल ना अच्छे ना बुरे से पहचान बनाती तो मेरा जो ऑटोमैटिकली नेचर है बाबा के साथ वो एक्शन में आता और अगर मान लीजिए कभी मेरे पार्ट में कुछ भी ऊपर नीचे है भी और वो पार्ट में होना जरूरी है किसी भी वजह से मैं उससे भी साक्षी तब मैं आत्मा मल्टी डायमेंशनल हूं तो कॉर्पोरियल वर्ल्ड में भी एक्ट हो रहा है बहुआयामी शब्द सीख लिया है मल्टी डायमेंशनल <laughs> बहुआयामी <laughs> एस कॉन्शियसनेस मैं अवेयर हूं मन की दुनिया बाहर की दुनिया अपने ट्रुथ की दुनिया तीनों और बाबा ने जो ड्रीम की मुरली चलाई थी ना सपने की मुरली उसमें बाबा ने बोला ये सब तुम्हारे अंदर बुद्धि में रिकॉर्डेड है ये एक सपना है ये बोला बाबा ने क्लियरली उस मुरली में है ना हाँ बाबा चाहे कितना भी समझाएगा रॉयल बुद्धू का पार्ट प्ले करना भी ड्रामा में नुंद है बिल्कुल वो मुरली की डेट ड्रीम मुरली की डेट है आ, फिफ्टींथ मुरली ऑन ड्रीम्स 15th ट्वेंटी थ्री पे चलाई थी बाबा ने वो मुरली और उसमें बाबा ने बोला था हिंदी में इंग्लिश में नहीं हम्म है ना उसमें बाबा ने कहा था कि यह भी वंडरफुल है इतनी छोटी बिंदी है ज्ञान का डांस करती है कहा जाता है यह स्वप्नों का संसार है बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है स्वप्नवत संसार जो बीत गया है वह तेरी बुद्धि में आता है सारा ब्रह्मांड मूल वतन सूक्ष्म वतन सत्युग त्रेता द्वापर सारा स्वप्न हो गया तो आत्मा के लिए तो सब ड्रीम वर्ल्ड ही है जो पास्ट हो जाता है वह स्वप्न हो गया अब कलयुग का भी अंत है यह स्वप्नवत संसार हुआ ना वह हद के स्वप्न आते हैं तुमको बेहद का बुद्धि में आता है सो ब्यूटिफुल सो ब्यूटिफुल स्वप्न कितना रियल लगता है न? तब बाबा ने बोला है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आधी मध्य अंत का पूरा ज्ञान है ज्ञान मतलब वो सपने के रूप में रिकॉर्डेड है फिर आत्मा आती है लिविंग ड्रामा प्ले करती है मतलब थ्रू द बॉडी लिव कर रही है उस ड्रीम को भी इन अ वे तो है ना कौन शेयर कर रहा था अगर वो करेंगे वो हर एक का अपना अपना पार्ट है पर आत्म ज्ञान इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू हैव रियली थॉट ऑफ सो फार आत्मा ज्ञान really so मतलब भी नहीं कि मुझे मम्मा दिखी मुझे बाबा दिखे ठीक है वो उनका पार्ट है आत्मिक ज्ञान बहुत अलग चीज है हा मुझे उड़ती भी एंजल्स दिखी मुझे ये दिखा ये नहीं आत्मिक ज्ञान वो अलग पार्ट है आत्मा के अंदर का वो अलग बात है पर हमारे को जो बाबा बताना चाह रहे बिल्कुल अलग है सोल इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल एटी फोर पार्ट विद इन इट्स बिल्कुल स्वतंत्र है अपने अंदर के चौरासी जन्मों के पार्ट से आत्मा ओम शांति यह यह पास्ट हो गया बुद्धि जानती है सिर्फ एक बाप की ही याद रखनी चाहिए बाप जो समझाते हैं और कोई समझा ना सके तेरी बुद्धि में स्वप्नों का संसार है ये बाबा के शब्द हैं अब बोलो है कुछ रियलिटी पर जब तक ये रीनी रियल लगेगी ना तब तक ये सपना भी रियल लगेगा इसलिए रीनी को हम तोड़ते हैं इस पर्सन आइडेंटिटी को हम तोड़ते हैं एवरी डे क्योंकि इसी सपने इसी ने सपने में जकड़ के रखा है आत्मा को ऐसा आभास होता है आत्मा झगड़ नहीं सकती पर ऐसा आभास होता है बाबा ने क्लियर बोला इसमें सेकंड में स्वप्न आता है ना तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए बीज और झाड़ इतना क्लियर नहीं है क्लियर बाबा भी कहते हैं आधी मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर नॉलेजफुल जानी जाननहार कहते हैं जानते हैं हरेक की अवस्था ऐसी ही रहेगी एक एक की अवस्था को क्या हम बैठ जानेंगे बाबा जानता हरेक का पार्ट फिक्स्ड है मैं क्या हरेक के पार्ट को बैठ के फिक्स करूंगा सच अ लवली मुरली इट इज मैं सिर्फ तुमको जगा सकता हूं कि तुम अपना पार्ट नहीं हो तुम एक एक डायलॉग जो मन में चल रहा है वो तुम नहीं हो तुम एक एक फीलिंग इमोशन आ रही वो तुम नहीं हो बस मैं तुमको इतना जगा सकता हूं तुम्हारे बैठ के एक एक थॉट को फीलिंग को चेंज नहीं कर सकता हूं मैं जानी जानन हार मीन्स ही नोज द सोल्स एंड नोज दैट ईच सोल अ फिक्स्ड पार्ट इन इट बाबा को पता है हर आत्मा एक बीज है और बीज के हर बीज का अपना एक यूनिक झाड़ है ये है जानी जानन हार किसी को भी पता था किसी ग्रंथ ग्रंथ में सुना आपने कभी ये बात किसी वेदों में शास्त्रों में सुनी ये बात इसने तो कभी पढ़े नहीं है पर जिसने पढ़े हैं उनको पूछ रही है <laughs> जिसने पढ़े हैं उनको पता होगा नहीं हम्म मुझे तो इतना पता है बाबा ने बताया मुरली में कि किसी में नहीं है बिल्कुल एकदम यूनिक नॉलेज बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है बीज और झाड़ समझना तो इसलिए बाबा बोलते हैं हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे जो अवस्था कब पहले थी उस अवस्था में है सो तो तुम भी जानते हो ना अब <laughs> फिर कहते हैं पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो मतलब पुरुष अर्थ में टिक जाओ और जान जाओ कि तुम्हारा ड्रामा ये तुम नहीं हो त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो ये शब्द हैं बाबा के मुरली में <laughs> त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो Hmm? किसी को कुछ कहना है इस पर त्रिलोकीनाथ <laughs> होने से जैसे तुम भगवान हो जाते क्योंकि त्रिलोकीनाथ मतलब मुझ आत्मा को पता चला मैं बीज हूं और ये जो झाड़ है ये मैं नहीं हूं तो बीज रूप में तो हम सभी एक जैसे हैं डिफरेंस ये है हम आत्मा और परमात्मा में हमारे पार्ट का डिफरेंस तो जैसे ही पता चला कि मैं बीज हूं और मैं पार्ट नहीं हूं मेरे अंदर के एक एक मन के थॉट फीलिंग इमोशन में नहीं हूं तो मैं कौन हूं फिर तुम जैसे भगवान हो जाती हो हे आत्मा फिर न बाबा के पास कुछ देने के लिए न तेरे पास कुछ लेने के लिए ये भी बाबा ने एक मुरली में कहा है Is it clear? या yeah, बाबा सिर्फ रिमाइंड कर रहे हैं आत्मा को जो वो ऑलरेडी है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं बाबा रीनी को कैसे आत्मा बना सकते हैं जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है ड्रीम कैरेक्टर को कैसे वो आत्मा बना सकते हैं देखो आत्मा जब सपना है ना आता है ना दो लेवल पे सपने चलते हैं आत्मा के आत्मा ही देख रही होती कभी अपने आप को ड्रीम कैरेक्टर में मैरी देख रही होती है और कभी अपने आप को ड्रीम कैरेक्टर रीनी समझ रही होती है चाहे वो इस बॉडी के द्वारा सपने में अपने को मैरी देख रही तो वो दोनों ही आत्मा के ड्रीम कैरेक्टर्स हैं रीनी और मैरी दोनों और दोनों ही उतने ही अनरियल हैं हाँ जी चंदन बोले फिर हम खत्म करेंगे पर ये मुरली है ना अगर चाहे तो हम कल पढ़ सकते हैं ड्रीम के ऊपर मुरली ठीक है ओके ओम शांति दीदी ओम शांति दीदी आपसे ये पूछना था कि आत्मा बाबा के साथ परम धाम में है तो क्या वो इस सोल वर्ल्ड मतलब सोल वर्ल्ड से यहाँ पर विजिट कर रही है या वो वहाँ पर ऑलरेडी है और जस्ट उसको बस ये स्टोरी मतलब चल रही है उसकी ड्रीम में चल रही है ये थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन एक करिए आत्मा इज एवरी मोमेंट इन द सोल वर्ल्ड जैसी स्थिति राइट सोल वर्ल्ड मतलब क्या है What is soul world? मतलब परम धाम एक अलग वर्ल्ड है और ये दुनिया हम यहाँ पर इसको विजिट कर रहे हैं तो आई गेस मतलब जैसे बताते हैं कि काफी मिलियंस मिलियंस काफी मतलब दूर है तो क्या हुँ, ये हुँ, रियालिटी हुँ, है या इट्स जस्ट अ ड्रीम इट्स एक सेकंड का डिस्टेंस है आत्मा और परम धाम में वो एक सेकंड भी हम बोल रहे हैं क्योंकि आत्मा जब ड्रीम में डिस्टेंस तो नहीं है बाबा बोलते ना एक सेकंड में रॉकेट की स्पीड से भी फास्ट है आत्मा इट्स हियर एंड नाउ बिल्कुल मैं आत्मा जब जागृत हूं मन की सपने की दुनिया से बाहर हूं जो कि बाबा के साथ रहने से ही हो सकता है नहीं तो हो ही नहीं सकता है वो तो आत्मा जो कि मन की सपने की और मन बुद्धि की सपने की दुनिया से बाहर इस बॉडी और माइंड आइडेंटिटी की इसीलिए तो हम संकल्पों से साक्षी होने की हमारी प्रैक्टिस है सारा टाइम फीलिंग्स थॉट्स इमोशंस मेमोरी से साक्षी होना एक लिविंग बीइंग एक लिविंग लाइट हूँ और जो थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस इतने रियल लगते हैं जिससे एक इतनी रियल ड्रीम वर्ल्ड एकदम रियल लगता है क्योंकि उसमें मूवमेंट भी है उसमें मेमोरीज भी हैं, उसमें इमेजेस भी हैं, तो आत्मा मन में फसी भी उस ड्रीम वर्ल्ड के अंदर उस तब तक उसके लिए वो कॉर्पोरियल वर्ल्ड ही रियल लगेगा उसको है ना तो कॉर्पोरियल वर्ल्ड है पर आत्मा दूर नहीं है परमधाम से इसलिए बाबा ने एक्चुअली में एक दो मुरली में नहीं कई मुरलियों में अव्यक्त मुरली में बोला है कि आत्मा अभी इस मुरली में भी जो हम कल पढ़ेंगे इसमें भी बाबा ने बोला है कि आत्मा के दूरी जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना एक सेकंड की भी दूरी नहीं है परम धाम की अगर जागृत हो जाती है आत्मा जी, जी तो आपकी एक थेंक स्थिति थेंक जी एक स्थिति जी जी थैंक यू बाबा थैंक यू दीदी थैंक यू बाबा अभी एंडिंग ओम शांति ओम शांति तो बस इतना ध्यान रखें साइलेंस इज द बेस्ट टीचिंग इसीलिए बाबा पहला चैप्टर पहला लेसन है मैं आत्मा साइलेंट बीइंग हूँ क्यों साइलेंट हूं तब मैं झाड़ को साक्षी होके देख पाऊंगी झाड़ का ही मैं रूप बनकर झाड़ में रह रही हूं संकल्प का ही रूप बनकर संकल्प संकल्प स्वरूप बनकर रह रही तो मैं बीज हूं एक कॉन्सेप्ट है एक आइडिया है कभी ट्रुथ फील नहीं होगा भले कितनी भी मेंटल कॉमेंट्री कर लो ट्रुथ फील हो नहीं सकता इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइलेंस में आत्मा बाबा के साथ नो म्यूजिक नो कॉमेंट्रीज एक एक घंटा भी अगर आप बैठते हो बहुत अच्छा है बहुत परेशानी आ रही है डेस्पिरेशन उठ के भाग जाऊं उठ के ये काम कर लू वो काम कर लू देखें आप ये सब संकल्पों को किसकी कौन है जो ये संकल्प कर रहा है कौन सी आइडेंटिटी ये सब बोल रही है ऐसे जिसने टेक ओवर कर लिया आत्मा को जैसे कोई नींद में इसलिए साइलेंट मेडिटेशन जरूरी विद नो म्यूजिक एंड नो कॉमेंट्रीज फिर देखना मन में क्या क्या डेस्परेशन आएंगे क्या क्या कंपलशन आएंगे सब कुछ देखना साक्षी होके मैं बिंदु आत्मा देखूंगी अगर आप बोले तो हफ्ते में एक बार हम कर सकते हैं हाँ ये? <laughs> फिर देखना मन बोलेगा अच्छा अब अच्छा, मैं क्या करूं वॉट <laughs> करें ठीक हफ्ते में एक बार हम मुरली नहीं करके सिर्फ एक घंटा डेढ़ घंटा आप बोलो तो एक डेढ़ घंटा ओनली साइलेंस और आप देखना अपने मन की सारी एक्टिविटी साक्षी होगा डरना नहीं बाबा के साथ कंबाइंड कंबाइंड बोलने दो उतावला हो रहा है बेचैन हो रहा है अरे होने दो ना आप कौन हो उठ के भाग जाओ यहां से अभी लोग क्या सोचेंगे मैं उठ के भाग गई तो बोलता रहेगा ये सब कुछ मन देखना <laughs> अरे एक्शन करने की अंदर से वो होगी पीड़ा माइंड बॉडी को जैसे कोई है ना नहीं फोर ए एम क्यों किसने बोला फोर ए एम फाइव ए एम सिक्स एम टेन एम हाउ डज इट मैटर माइंड तो बोलेगा चार हो या छह हो दस हो क्या फर्क पर पड़ता है मुझ आत्मा को ऑल आर कॉन्फ्लुएंस एज एट टाइम्स नहीं है आई एम टाइमलेस और आप देखना कितनी बार खींचते हो आप और कैसे आप बाहर आती हो यह भी देखना अकेले नहीं कर पाते हो ना साथ में करते हैं तब देखना है ना एवरी ट्यूजडे ठीक है तो उस दिन हम जल्दी भी करेंगे फाइव टू सिक्स ताकि सबके लिए टाइम इजी हो इंडिया में

इम्पॉर्टेंट होगा मैं अभी बता रही क्योंकि उस वक्त मैं कुछ नहीं बोलूंगी अभी बता रहे क्योंकि मैं आत्मा मेरे ट्रुथ में साइलेंटली माइंड बोरिंग बोलेगा यार क्या करूं मैं साइलेंस में करना क्या है माइंड बोलेगा Silent. बार बार अपने उस ट्रुथ में ही रहकर अगर वो दिखता है आता जाता तो ठीक है उसको देखने में बिजी नहीं होना है बाबा के साथ रहकर बाबा के ट्रुथ में बाबा इमेज बाबा से बातें करो भले इमेज इमेजेस ही नहीं है बाबा कोई इमेज की जरूरत नहीं बच्ची मैं एक सैंपल दे रही हूँ आपकी बात क्या होगी वो आप जाने तो एक सैंपल दे रहे हैं इमेजेस ही नहीं तो बाबा ये इमेजेस जो आ रही है झाड़ बीज में झाड़ तुम बीज वो जो बातें आ रही मेमोरी झाड़ तुम बीज बस इसी को बार 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 बाबा और मैं बाबा और मैं उसी के ऊपर बार बार ध्यान फिर नहीं हो रहा सरेंडर टू बाबा नहीं आ रहा समझ कुछ नहीं करना है आपके ऊपर छोड़ दिया नहीं अगर समझ आ रहा कुछ आपको जो अनुभव देना है आप दे दो जो जलाना है जला दो जो रखना है रख लो जो मिटाना है मिटा दो जो करना है कर लो ठीक है नहीं टू एम नहीं है मेरा फाइव ओ क्लॉक आपका होगा सिक्स थर्टी इन दोनिका आई डोंट नो वेयर योर इज प्लेइंग बट इंडिया टाइम सिक्स थर्टी टू सेवन थर्टी एवरी ट्यूजडे ग्रुप में डाल देंगे दीदी इवनिंग या ओम ओम यात्र